सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बीते मंगलवार को हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर मुकाबले में इटली को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि आयरलैंड के खिलाफ उसे हार मिली थी। भारत की लाल रेम सियामी ने 9 मिनट में भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। वहीं दूसरा गोल नेहा गोयल ने तीसरे क्वार्टर फाइनल के अंतिम पलों में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। वंदना कटारिया ने 55वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को भुनाते हुए भारत की बढ़त 3-0 कर दी, जो खेल के अंत तक बरकरार रही। वहीं तीसरे क्वार्टर फाइनल की समाप्ति पर कप्तान रानी रामपाल ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया, इससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। यह पेनल्टी कॉर्नर भारत के लिए बढ़त दिलाने वाला साबित हुआ और नेहा ने काफी जद्दोजहद के बीच टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने चौथे क्वार्टर में एक और गोल दागकर इटली की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद 55वें मिनट में वंदना कटारिया ने शानदार गोल दागकर भारत को टूर्नामेंट में पहली जीत दिलाई। गुरजीत कौर ने वंदना कटारिया को शानदार पास दिया, जिस पर उन्होंने भारत को 3-0 से आगे कर दिया। उसकी ये बढ़त अंत तक बरकरार रही।